नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में पी फैक्टर क्या तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बनने वाला है, पी फैक्टर पर बात करेंगे। और ये ऐसा फैक्टर है जो जाहिर तौर पर आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, इसके आसार नजर रहे हैं। पी फैक्टर का मतलब पी से पप्पू यादव और पी से प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर पर बात पहले करेंगे क्योंकि पप्पू यादव के बारे में आप जानते हैं किस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी को हराया, जेडीयू को हराया और निर्दलीय भारी पड़े और पप्पू यादव की साख बढ़ी है, उनका कद बढ़ा है, तो पप्पू यादव पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर पर बात करेंगे, पप्पू यादव और प्रशांत किशोर दोनों पर बात करेंगे। लेकिन पहले प्रशांत किशोर, जिसका डर आरजेडी के अंदर दिखता है, जिस प्रशांत किशोर की रणनीति जिस तरह की है और प्रशांत किशोर जिस तरह से आरजेडी के आधार वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी में सेंधमारी तो कर ही रहे हैं, आरजेडी के कई नेताओं को उन्होंने शामिल करा लिया, देवेंद्र यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी शामिल हो गए, हालांकि दूसरी पार्टी के नेता भी कार्यकर्ता भी प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं। लेकिन नुकसान का खतरा इस वजह से ज्यादा है कि जो आरजेडी का आधार वोट बैंक है, एमओआई समीकरण जो है, तो एमओआई समीकरण में वो एम में चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमान वोटर अगर छिटके तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बैलेंसिंग फैक्टर हैं, वो बैलेंसिंग फैक्टर है, जिस तरफ रहते हैं उस तरफ का पर्दा भारी होता है। तो विधानसभा चुनाव तो अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो वैसे भी आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल होगा, आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि देखना होगा कि नीतीश कुमार का जनाधार वही है, नीतीश कुमार का वोटरों में स्वीकार्यता वही है, यह भी देखना होगा। लेकिन एक चुनौती तो नीतीश कुमार हैं आरजेडी के लिए और दूसरी चुनौती प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने जा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर चुनौती है। और दूसरा पी फैक्टर पप्पू यादव, पप्पू यादव को आरजेडी मनाने की कोशिश करेगी, साथ लाने की कोशिश करेगी, इसकी उम्मीद कमी लगती है। और पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर वो आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर वो नुकसान पहुंचाने पर आ गए। हालांकि पप्पू यादव कहते हैं कि एनडीए इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है और वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी का उनको आशीर्वाद है, लेकिन पप्पू यादव भी क्या खेल कर सकते हैं आरजेडी के साथ, यह भी सवाल है। क्योंकि सहमत का खेल पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच चलता रहा है लोकसभा चुनाव में। पप्पू यादव खुद ही कहते रहे हैं कि उनको हरवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी तेजस्वी यादव और लालू यादव ने, तो इसका हिसाब किताब क्या वो विधानसभा चुनाव में चुपचाप करेंगे? पप्पू यादव भी क्या आरजेडी के नुकसान की वजह बन सकते हैं विधानसभा चुनाव में? ये सवाल है। इसीलिए हमने कहा कि पी फैक्टर का मतलब पप्पू यादव और प्रशांत किशोर, ये दोनों प्रशांत किशोर के लिए मुसीबत, माफ कीजिएगा, आरजेडी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।